मैं अपना परिचय दे देता हूं आपको। मेरा नाम है, ए भाई नहीं, मेरा चेहरा देखिए गौर से, इसमें श्रीवास्तव लगा दीजिए, हंसमुख श्रीवास्तव। और कैनन ठीक है, आ गए हो क्लास में, कबीर जी हैं। हसमुख श्रीवास्तव मेरा नाम है और मैं इस विद्यालय का प्रिंसिपल हूं, प्लस मैथ का टीचर हूं। मैथ, माथा में 30 मैथमेटिक्स, माथा में 30 मैथमेटिक्स, डबल पेमेंट। हाँ, सारा सारा मैथ का खेल है, पूरी दुनिया मैथ पे चल रही है दोस्त। तो अब क्या है कि एक, हाँ, मैं थोड़ा और अपने बारे में, तो अपना परिचय ठीक से दे दूं कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ परिवार होते हैं ना कि बड़ा म्यूजिक बोलते हैं, बड़ा म्यूजिकल परिवार है, संगीतमय परिवार है, वैसे मेरा जो है ना बड़ा मैथमेटिकल परिवार है। मेरी पत्नी को ऐसा लगता है कई बार ना कि मैं उनसे कम और मैथ से ज्यादा प्यार करता हूं, तो वो बोलती है कि भगवान हमको औरत नहीं मैथ बना दिए होते तो बेहतर होता, आप हमको ज्यादा प्यार करते। कई बार क्या होता है ना, पत्नी का, अच्छा सुनिए, दो चीजें और बता दूं पहले, कि दो चीजें आए तो रोकनी नहीं चाहिए, एक हंसी और दूसरी ताली। इतने ठंडे हैं यार आप लोग, थोड़ा जग जाइए। हाँ, तो जहां भी हंसी आए और ताली आए तो रोकिएगा मत, उसको आने दीजिएगा। तो कई बार मेरी पत्नी जो है ना मुझे फोन करती है और पूछती है कि अच्छे आज सुनिए, सुन रहे हैं आप? बोल, हाँ बोलो क्या है। तो आज खाने में क्या खाइएगा, सर्कल या ट्रायंगल? मैं बोलता तो अच्छा एक काम करना, तुम ना चार सर्कल बना देना और लास्ट में ना तीन ट्रायंगल बना देना, 2 ग्राम देसी घी डाल के, मतलब पराठा और रोटी। तो ऐसा है हम लोगों का परिवार। तो खैर, अब हम आपको जो है, मुद्दा है ये कि नील बट्टे सन्नाटे का मतलब क्या होता है, ठीक है? नील बट्टे सन्नाटा किसी को पता है? जीरो, बहुत बढ़िया आलोक जी, बहुत बढ़िया, जीरो। खिलाड़ी आदमी है, स्वामी विवेकानंद के साथ वो भी गए थे जीरो वाले भाषण में। तो देखिए, इसको नील बट्टे सन्नाटा को ना एक उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं कि मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डांस में बिल्कुल 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 नाचना उनको आता ही नहीं होगा, नाच नहीं पाते होंगे। कुछ होते हैं ना वैसे लोग कि कहीं दोस्त के जन्मदिन पार्टी में गए हैं और पूरा पार्टी रौनक पे है, सब नाच रहे हैं, मजा चल रहा है, और वो हाथ में ग्लास लिए, कोई खींचता भी है क्या, अरे 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 आइए आइए, बहुत खींचने के बाद मुश्किल से आ जाते हैं और रिदम पे कैसे नाचते हैं? मनोज, हाँ, ताली और हंसी आने दीजिएगा, रोकिएगा नहीं, हमको भी बड़ा मुश्किल से काम मिला है। ऐसे नाच लेते हैं, ठीक है? तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको नाचना बिल्कुल नहीं आता है, नाचना उनके लिए ऐसा ही होता है। कृपया हाथ उठा दीजिए, हाथ उठाइए। आनंद जी, अरे गुरु जी, आप भी आगे ही बैठे हैं, मुकेश बाबू, ठीक है? तो आप लोग जो हुए, तीन चार लोग डांस में निल हुए, मतलब आपको नाचना नहीं आता है, डांस में आप निल हैं। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि दुनिया का कोई भी माइकल लाल, वो चाहे माइकल जैक्सन हो, ऋतिक रोशन हो, प्रभु देवा हो, गायत्री देवी हो, कोई उनको नाचना नहीं सिखा सकता है? हाथ उठाइए। हिमांशु जी, हाँ, आप तो दूसरों को नचाते हैं। तो ये लोग हुए डांस में नील बट्टे सन्नाटा, जिन्होंने घुटने टेक दिए हैं। जो लोग घुटने टेक दें, जो उम्मीद छोड़ दें, जिनको लगे कि अब उनकी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता है, कोई उनको कुछ सिखा ही नहीं सकता है, वैसे लोग होते हैं नील बट्टे सन्नाटा, ठीक है? अब इसके आगे की स्क्रिप्ट मुझे भी याद नहीं है, क्या है नीरज बाबू इसके बाद? हाँ, देखिए राइटर इधर ही बैठे हैं, मैं बोला कि पास पर रहिएगा। हंड्रेड परसेंट होपलेस,
आनंद जी, मुकेश जी और नीरज जी, ये 100% होपलेस है डांस के मामले में। इन्हें लगता है कि माइकल जैक्सन भी अगर आ जाए, कोई भी आ जाए, प्रभु देवा, गीता देवी, इन्हें नाचना नहीं सिखा सकते हैं। तो ऐसे नील बट्टे सन्नाटा, मतलब 100% होपलेस। चलिए इसके बाद क्या है, चॉकलेट तो है नहीं कि चॉकलेट वाली बात करूं। स्क्रिप्ट में यहां पे एक चॉकलेट को भी होना था। ये सवाल पूछने के पहले मैं बोलता कि जो आंसर बताएगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा, वो चॉकलेट है नहीं तो मैं चॉकलेट की बात नहीं किया। हाँ, अब चैप्टर टू क्या है गुरु? अच्छा हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजेदार चीज है मुकेश जी, फिल्म का रिलीज डेट बताना है मुझे ऐसे ही। उसके लिए हमने आपको पहले बता दिया कि हमारा परिवार क्या है, पत्नी कैसे बोलती है, ट्रायंगल खाओगे कि सर्कल खाओगे। तो चलिए एक चीज है मैथ का, ये देखिए क्या है, आप लोग बताइएगा। बाप रे, पाई पाइप का हिसाब जानते हैं लोग, जिन्होंने बोला है पाई, हमको तो लगा था अरे क्या बताए थे आप, आर, मुझे लगा कोई ये ना बोल दे कि ये टी है दो पैर वाला, पाई है। इसका जो वैल्यू होता है 22/7। आज ही हमारे ससुर जी समझा रहे थे, हम भी नहीं जानते थे पाई भाई है क्या, वो मैथ में ठीक है तो मैंने पूछा तो वो बताया 22/7। तो अब ये कहानी जो है, ऐसा नहीं है कि लाइफ ऑफ पाई जैसी कोई फिल्म है, फिल्मी लोग हैं तो पाई से लाइफ ऑफ पाई ना समझ बैठे। ये कहानी जो है हमारी एक बाई लाइफ ऑफ बाई। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर यार, तो मेरा ब्रीदिंग नॉर्मल हो गया ताली सुन के, बहुत बढ़िया। हाँ हमने तो बड़ा हुआ था थोड़ा। तो लाइफ ऑफ बाई मतलब माँ और बेटी की कहानी है। 100% होपलेस हो चुका है बच्चों। देखिए क्या होता है, हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो अपना शरीर भेज देते हैं क्लास में, दिमाग रख देते हैं गार्डन में। महीना में एक बार उनका दिमाग आता है, वो शरीर खाली। हाँ आज लेके आए हैं ना, आप नहीं लाए हैं आज भी, ये देखो आप यहां हैं, दिमाग चिंचोली बंदर में है, फोन कर दीजिए उसको कि आ जाओ भाई। तो खैर पाई हो गया, रिलीज डेट बताना है, हमने बोला लाइफ ऑफ बाई माँ और बेटी की कहानी है। तो माँ जो है इसमें जोड़ दिया हमने, माँ 33 और बेटी 14। माँ की उम्र है 33 साल, बेटी की उम्र है 14 साल। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो हमारा रिलीज डेट निकलेगा। कोई बता सकता है मैथ में कोई है माइकल लाल कटप्पा? कटप्पा कौन है भाई? अच्छा वो कहीं वो डांस में जैसे लोग होते हैं वैसे मैथ में तो नहीं है, कोई बताएगा दोस्त? चलिए मैं ही बता देता हूं, मैं भी इस लड़ाई में हूं, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, सीख रहा हूं। 11/2, आप दोनों को जोड़ेंगे तो 11/2 आएगा। अब 11/2 मतलब दूसरा महीना 11 तारीख, फरवरी 11 तो फिल्म अगले साल तो आएगी नहीं, इसी साल आएगी। चलिए इसको और डबल कर देते हैं, जो चैलेंज है ना मुकेश जी, बड़े अच्छे लग रहे यार ऐसे बैठ के, बैठे हुए हैं हमारे यहाँ सांस फूल रहा है। इसको डबल कर देते हैं चुनौती को, इसमें हमने प्लस किया और 11/2 22/4, बस 22/4 है रिलीज डेट। हम बोले थे मैथमेटिकल परिवार है, पका दूंगा मैथ बता बता के आज। तो 22/4 हो गया हमारा रिलीज डेट। अब क्या है गुरु, आप लोग ऐसे हंस दो, खुल के हंस दो यार, आप हमारी बेइज्जती पे भी हंसेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। हम हंसे तो आप कम से कम हंस दो थोड़ा। चॉकलेट है, चॉकलेट है, जो यहां आना था वो नीचे ऑफिस में रुक गया है, इवेंट के बाद हम खिलाएंगे। और क्या है इसके बाद? हाँ खैर रिलीज डेट हो गया तो अब, हाँ अब कहावत पे आएंगे हम। कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा, जब जागो तभी सवेरा। कितने लोगों ने सुना है जब जागो तभी सवेरा? मोरलेस सब सुने हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जगे ही नहीं कभी, तो कहां सुन पाएंगे।
जब जागो तभी सवेरा, उसके लिए सुबह जगना पड़ेगा तब जाके सुन पाएंगे। तो जब जागो तभी सवेरा एक ऐसा कहावत है जो लोगों ने अभी तक सुना है, आज देखेंगे जो हमारी कहानी है, जो माँ है हमारे सिनेमा में चंदा, वो चरितार्थ करती है, इसको जीवंत करती है इस कहावत को कि जब जागो तभी सवेरा। उसका मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो कैसे गाना है ना, प्यार का उम्र हो ना, ना उम्र की सीमा हो ना, ये आरजे होने का फायदा है, आरजे है। तो उसका मानना यही कि ना उम्र की सीमा हो ना प्यार का हो कुछ बंधन, प्यार की जगह सीखना है। तो वो उनका सोचना है कि जिंदगी में कभी भी किसी क्षण किसी भी उम्र के पड़ाव पे किसी वक्त आप कुछ सीख सकते हैं, आप सपने देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बुलाता हूं, मिलवाता हूं। चंदा सहाय रोल नंबर 17, आ जाओ, आइए। सर थोड़ा दीदी के यहाँ आलू पराठा बना रहे थे। ये देखिए, ये चंदा जी हैं, इनका मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आदमी कभी भी सीख सकता है। पराठा बना रही थी, टिफिन में क्या लाई हो आज? आलू की सब्जी। अरे वाह वाह, ऐसा क्या है ना, मैं बताया ना कि हमारा हमारी पत्नी से पूरा मैथमेटिकल मामला है। वो बोलती है आज ट्रायंगल खाएंगे कि ये, तो कई बार हमारे और हमारी पत्नी का रफ बुक जैसा संबंध हो जाता है ना, रफ बुक टाइप का। तो पत्नी टिफिन नहीं देती है, तो मैं बोलता हूँ चंदा तू ही लेते आना एक ट्रायंगल और कुछ भिंडी का भुजिया, बहुत कमाल बनाती है। चंदा जी ट्रायंगल खिला खिला के नहीं पास करते, वो पढ़ाई करके ही पास करते हैं हम। थोड़ा चूंकि आप कह रहे थे तो गलत ना समझ लें सर। अरे नहीं 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 चंदा, मेधावी छात्रा है, इन्होंने साबित किया है कि किसी उम्र में पढ़ा जा सकता है। बताइए। तो पाइथागोरस का जो थ्योरम है, तो ये बहुत पुरानी बात है। जे यूनान के देश में एक बहुत बड़ा पंडित था पाइथागोरस, तो उसके तीन बेटे थे। थोड़े यूनानी नाम अजीब से होते हैं, तो एक का नाम था बेस, दूसरे का नाम था परपेंडिकुलर, और तीसरे का नाम हाइपो, अजीब सा यूनानी नाम था, हाइपोटेन्यू। हाँ करेक्ट। और अब तीन बेटों का बाप तो मतलब किसी भी जमाने में ऐसे ही करता है, वहाँ तो दहेज की प्रथा भी नहीं थी, तो अपने लौंडे मतलब लड़के काम पर जाते थे और बाप के पास बहुत समय था, सोच विचार करते रहता था, अलग अलग किस्म की चीज़ें सोचते रहता था। तो सोच तीनों बेटों की लंबाई में बहुत फर्क था, तो बेस छोटा सा था, परपेंडिकुलर ठीक ठाक था, हाइपो बहुत लंबा था अमिताभ बच्चन की। तो पिताजी खाली रहा करते थे और अपने चने और चाय वाय जो भी यूनान में चलती है बिल्कुल पीते पीते वो सोचते थे कि ऐसा क्या हो कि सबकी लंबाई बराबर हो जाए। अजीब सा ख्याल है, पर तीन बेटों का बाप जो होता है उसे किसी चीज़ की रोक नहीं, कोई चिंता नहीं। तो उसने ये बात निकाली कि अगर जो सबसे छोटा बेटा था बेस, उसकी लंबाई को डबल मतलब गुणा कर दिया जाए, स्क्वायर जिसे हम सर ने सिखाया था स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर है उसकी लंबाई को भी स्क्वायर कर दिया जाए और दोनों के स्क्वायर को जोड़ दिया जाए तो हाइपोटेन्यू की स्क्वायर से बराबरी हो जाएगी। इस बात से यूनानी समाज का क्या फ़ायदा हुआ ये हमको समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ। सर ने कहा है कि बहुत जरूरी है, जीवन में याद रखना चाहिए ये। क्या बात है, तालियां। समझाओ, याद करो, याद करो, तुम हाँ। तुम्हें पता है, याद करके बताओ। याद है, समझाए थे सर आप। तन टेन सेन स्क्वायर थेटा जमा कॉस स्क्वायर थेटा। हाँ, हाथ से छूटा बर्तन तो बोला टन, हाथ से छूटा बर्तन तो बोला टन, सेन स्क्वायर थेटा जमा कॉस स्क्वायर थेटा बराबर वन। वन, क्या बात है, वन, तालियां। वन, चंदा अपने फॉर्मूले ऐसे ही याद करती है, बर्तन टूटा, कप गिरा, साबुन खत्म हो गए, अच्छी बात है। आप कोई भी फॉर्मूला किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए, अब आप लोग बोर हो चुके होंगे मैथ सुन सुन के, ये समझ में आ रहा होगा कि ये कहानी
ये फिल्म कहीं मैथ की कहानी तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, ये मैथ की कहानी नहीं है। मैथ जो है इसमें विलेन है और नायिका से आप मिल ही चुके हैं, तो नायिका है ये चंदा जी और मैथ है विलेन। अब आप ये मत समझिएगा कि मैथ जो है इनसे जबरन शादी करना चाहता है और ये केमिस्ट्री से प्यार करती है, और इनके पिताजी संस्कृत प्रसाद उसके विरोध है कि केमिस्ट्री को तो आने नहीं दूंगा, हट केमिस्ट्री, ऐसा नहीं है। हाँ बजा दो यार, अच्छे से बजा दो एक बार। इस कहानी में मैथ विलेन है, ये नायिका है, तो हीरो कौन है? ओ भाई साहब, मोबाइल से हाथ हटाओ ना, सुनो हमारी बात मैडम, खून जला रहा हूं मैं। मैथ विलेन है, ये नायिका है, तो हीरो कौन है? अब हीरो क्या बताएं? सेटअप बॉक्स। अब हीरो है या जीरो है आप खुद देख के तय कर लीजिए, खुद देखिए हीरो है कि जीरो है। भाई आओ चलाओ, दिखाइए इनको, ट्रेलर दिखाया जाए। नाम बताओ बेटा, नाम बताओ, नाम बताओ। क्या सर? क्या सर? नील बट्टे सन्नाटा। तीन बार पूछ चुके हैं, नाम बता दीजिए आप अपना। अपेक्षा। अच्छा, अप्पू। अप्पू, अपेक्षा सहाय। चंदा जी आप भी आ जाइए मंच पे। अब मैं बुलाना चाहूंगा जो हमारी हेड मिस्ट्रेस हैं, जो आगरा के 50 डिग्री टेम्परेचर में, हम जब कर रहे थे फिल्म तब 48 से 50 के बीच में, हमें लगता था पूरा आगरा तंदूर है, और उसमें एक्टिंग कर रहे थे, और हमारी जो हेड मिस्ट्रेस थी डायरेक्टर साहिबा, जिनको मैथ में 10/10। अश्विनी जी प्लीज कम। और जो हमारे डीन साहब हैं आनंद सर, कृपया मंच पे आइए। और
मैथमेटिक्स की पूरी बात हो रही है तो जो पूरा गणित था ना मैथमेटिक्स जो हैंडल कर रहे थे अजय जी, आज नहीं पूछूंगा हिसाब, आ जाइए। अजय राय जी का स्वागत करिए। अरे माइक दो अप्पू। बाकी मुकेश जी हैं यहाँ पे हमारे फिल्म के कास्टिंग सब कुछ, आ जाओ भाई। आप ही आगे का हैंडल कर लो ना, आप हेड मिस्ट्रेस आ गई हैं तो मुझे। कोई सवाल जवाब हो, बातें करनी हो, सुनी जी, अजय जी हैं, हो क्या तैयारी है? पंकज भाई आप बैठ सकते हैं। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मुझे मास्टर जी थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं। 10 साल बाद खड़ा हुआ हूँ, खड़ा ही होने दो, बहुत दिन से बैठा था। तो स्वरा प्लीज बताएं आप। वेल, सबसे पहले जब मुझे ये फिल्म ऑफर की अश्विनी ने और इन्होंने पहली मीटिंग में कहा कि बहुत सुंदर कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, मैंने कहा हाँ हाँ, और रोल एक माँ का रोल है, मैंने कहा अच्छा, 15 साल की बेटी का, 10th में, एंड आई एम लाइक, तो आप मुझे बेटी का रोल देना चाहते हो? एंड शी इज लाइक, नहीं माँ का। एंड आई वाज लाइक ओके। एंड मैंने मुकेश को आके कहा कि ब्रो क्या है ये, कि कैसे फिल्म ऑफर ला रहे हो मेरे पास? सो देन फिर खैर मैंने कहानी पढ़ी और बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट था। दो मुझे सब लोगों ने कहा कि ये करियर खुदकुशी है, सारी हीरोइनें अपने से कम उम्र के किरदार करती हैं, तुम यू नो अलग ही, बट पता नहीं मेरा दिमाग थोड़ा सलमान खान की बहन, अब माँ, अब अगली फिल्म में दादी, बट आई थिंक कि जब यू नो ये ऐसा अनुभव है जो मुझे आज भी बच्चा हो जाए तो 15 साल तक मुझे पता नहीं होगा कि टीनेजर की माँ का रोल मतलब क्या वो अनुभव होता है। तो पहले मैंने अपनी बिल्लियों के प्रति मातृत्व दिखाने की कोशिश की तो वो फेल रहा मामला। फिर अश्विनी ने मुझे कहा कि क्या तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, और मैंने कहा कि आई डोंट नो, नहीं चल रहा है। सो शी एक्चुअली गेव मी अ वेरी गुड आइडिया, शी सेड कि क्यों नहीं तुम अपनी खुद की मदर का इंटरव्यू लेती हो एक। तो मैंने आप लोगों का रोल धारण करते हुए आई एक्चुअली टुक लाइक एन इंटरव्यू ऑफ माई मदर, लाइक सैट हर अक्रॉस अ टेबल, पुट ऑन अ रिकॉर्डर एंड आई स्पोक टू माई मदर। एंड मुझे वो मेरे लिए मतलब नॉट कि मुझे हर इन्फॉर्मेशन मैंने यूज़ किया रोल के लिए, बट वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। तो आई थिंक दैट रियली चेंज मी। एंड उसके अलावा अश्विनी ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, मेडिटेट करो, काम डाउन करो, थोड़ा ये ऐसी सारी स्लो स्पीड, स्लो चलो, ऐसी सारी चीज़ें। सो आई थिंक दैट अश्विनी रियली हेल्प मी विद दैट। आनंद जी, आप किस तरीके से बोर्ड पर आए? आपने फिल्म देखी थी, कुछ सिनॉप्सिस सुना था, क्या एग्जैक्टली था? हाँ, मेरे साथ ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बचपन में ही हो गई, बहुत आम सी चीज़ है। आपके पेरेंट्स, आपके फादर आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, तो मेरे को बचपन में एक चीज़ बिल्कुल मैंने गांठ बांध ली थी खुद के साथ, जो मेरे डैड ने मुझे बोली थी कि बेटा जब भी करना मन की करना, दिमाग से पहले मन की सुन लेना। वो पता नहीं उन्होंने क्यों बोला, उनको लगा दिमाग से थोड़ा कम हूँ, दिल से थोड़ा वैसा हूँ, तो शायद ये वजह रही होगी, पर ये मेरे फ़ायदे की बात रही। तो मैं नील बेटे सन्नाटा बिल्कुल मन से जुड़ा, और थैंक्स टू द एंटायर टीम, अश्विनी, स्वरा, पंकज जी, अजय, और मेरे को लग रहा है मन की करके खुश हूँ और फीलिंग प्राउड ऑफ दिस फिल्म। मेरा सवाल स्वरा से है। स्वरा, यहाँ अनुज्ञा, यहाँ सामने अनुज्ञा न्यूज़ ऑनलाइन से, कैसे हो आप? बढ़िया। मुझे ये पूछना है कि प्रोड्यूसर जी से कितना मैथ सीखा आपने?
जवाब दीजिए, प्रोड्यूसर साहब और स्वरा दोनों को देना है। वेल आई थिंक कि इस मामले में एक्टर सीख ही जाते हैं। मैथ्स, यहाँ इतना मैथ्स आ जाता है हमें, वैसे मैं मैथ्स में निर्भर टेसन नाट हूँ, लेकिन चेक्स के मामले में मैथ्स सबको आता है। बट आई थिंक कि इट्स अ रियली जस्ट ऑन अ मोर सीरियस नोट कि मुझे लगता है कि इट इज़ अ ग्रेट एक्ट ऑफ करेज ऑन द पार्ट ऑफ अजय राय, जा पिक्चर्स एंड ऑल द अदर पीपल हु हैव बीन पार्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म, एंड देन आफ्टर दैट आनंद सर एंड इरोस टू एक्चुअली कम ऑन बोर्ड एंड प्रेजेंट अ फिल्म लाइक दिस, टू क्रिएट मेक अ फिल्म लाइक दिस इन द फर्स्ट प्लेस, एंड देन एंड या थैंक्स अजय जी कि फॉर द ऑफर ऑफ अ 15-year-old's मदर, लाइक आगे मेरा करियर अब आपके हाथ में रहेगा। दूसरा सवाल आनंद जी से है। आनंद जी, तनु को मैट सिखाना ज्यादा इसी है या स्वरा को? स्वरा सिखाती है सबको, स्वरा सिखाती है। अच्छा, इनका गणित नंबर से अलग चलता है, पर जिस स्पीड में चलता है उसमें अगर पकड़ लो तो बहुत कुछ सीख जाओगे आप। अच्छा, अभी हमें भी लेसन लेना पड़ेगा उनसे।